एवरी पोनी, जैसा कि तुम्हें पता है प्यारे फेरी जानवर जिन्हें कहते हैं वो पोनी विल से होकर गुजरने वाले हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। मैं इंतजार नहीं कर पा रही कि रेनबो डैश ब्रीज बनाएगी और मैं उन्हें करीब से देख पाऊंगी। मैंने ये पहले कभी नहीं किया, पर मैं जानती हूँ कि मैं इसमें माहिर हूँ क्योंकि मैं हूँ। और वो हवा बहुत जरूरी है और साथ ही चीयरिंग भी बहुत जरूरी है ताकि वो नन्हे मुन्हे जानवर हवा पर सवार होकर अपने घर पर पहुँच सके। क्या मैंने बताया कि वो कितने छोटे हैं? बहुत छोटे। मैं सोच रही थी हम एक स्पेशल ब्रीजी चीयर करें। मुझे चीयर्स बहुत पसंद है। पर ये चीयर्स बहुत शांत चीयर्स होंगी, हमें उन्हें डराना नहीं है और उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना है। क्यों ना हम ट्राई करके देख लें। तुम ये कर सकते हो ब्रीजीज। तुम ये कर सकते हो ब्रीजीज। ओह माय, माफ करना फ्लटरशाई, मुझे नहीं पता था कि शांत रहकर भी चेयर किया जा सकता है। कोई बात नहीं, किसी भी पोनी का शांत रहना आसान नहीं है। चलो फिर से करते हैं। तुम कर सकते हो ब्रीजीज। तुम्हें थोड़ा और धीरे से चिल्लाना होगा। तुम कर सकते हो ब्रीजीज। थोड़ा सा और धीरे। तुम कर सकते हो ब्रीजीज। बहुत खूब। मेरा मतलब ये। माय लिटिल पोनी, माय लिटिल पोनी, सोचती थी क्या ही ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही, बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हें हवा बनाने के लिए पेगासाई की जरूरत क्यों है। वेल, आप देख सकते हैं इस हवा से ही ब्रीजीज का जादू एक्टिवेट होता है। जादू उस पोलन को सुरक्षित रखता है जिसे वो अपने साथ ले जा रही हैं। तो हवा नहीं मतलब जादू नहीं मतलब पोलन खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही। और उनके घर का दरवाजा बंद होने से पहले उस पोलन को ले जाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हम उन्हें पोनीविल से सुरक्षित गुजरने के लिए रास्ता दिखाएं। हम बिल्कुल उन्हें डराना या अपने रास्ते से भटकाना नहीं चाहते। अब आप समझ गयी। तुम्हें उनके बारे में काफी कुछ मालूम है। थैंक यू। मैं उन्हें एक्वेस्ट्रिया से पोलन इकट्ठा करते देखना चाहती हूँ। रैरिटी, मैं फैशन के बारे में तुम्हें बताना नहीं चाहती, पर ये बहुत ज्यादा पर्पल है ना? मुझे पता था, पर ट्वाइलाइट ने मेरी बात नहीं मानी। क्या मैं? नहीं, ये बिल्कुल सही पर्पल है। बात ये है कि तुम्हारी जैकेट पर सीक्वेंस बहुत ज्यादा है। ओह डार्लिंग प्लीज, सीक्वेंस जितने भी हो ज्यादा नहीं हो सकते। वो ज्यादा हो सकते हैं अगर सूरज की रोशनी उनसे टकराकर सीधे किसी ब्रीजीज की आंखों में जा गिरे जिससे वो देख ना पाए और भटक जाए। तुमने सही कहा, मेरे ख्याल से ऐसे हालात में किसी के पास जरूरत से ज्यादा सीक्वेंस नहीं हो सकते। मैं इसे उतार देती हूँ, शायद इससे भी काम नहीं चलेगा। एवरी पोनी, वक्त हो गया है, प्लीज स्वागत कीजिए ब्रीजीज का। वो बिल्कुल उतने ही क्यूट है जितनी एप्पल ब्लूम बचपन में थी। और जरा उन प्यारे से छोटे छोटे पैक्स को तो देखो जिनमें वो अपना पोलन कैरी कर रहे हैं। चलो सब उस तरफ चलो। बहुत ज्यादा क्यूट है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। पिंकी पाई, क्या मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर ब्रीजीज को देख सकता हूँ? दिमाग फटने वाला है। हाँ।
वो बहुत पीछे रह गए हैं। हम ब्रीजेस के दोनों ही सेट्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो पहला ग्रुप बहुत तेज चला जाएगा और वो एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। भाषा समझ सकती हो? ओह, मैं सभी तरह के जानवरों की भाषा समझ सकती हूँ। तुम्हें खुद पर नाज होगा ना? और तुम भी मेरी भाषा बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। ये लोग सिर्फ समझ सकते हैं। जाहिर है ये लोग मेरी तरह स्मार्ट नहीं है। ये तो शानदार है। माफ करना, हम वैसी हवा नहीं चला पाए जो उन्हें वापस पहुँचा सके। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे तुम पर नाज है फ्लटरशाय, किस तरह तुमने सब कुछ संभाल लिया। मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारे लिए एक हीरो वाला गाउन डिजाइन करूं, या फिर एक सैश, कम से कम एक सैश। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जानता हूँ तुम सब क्या सोच रहे हो, बस बोल क्यों नहीं देते। आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो। स्पाइक, कोई बात नहीं, ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता था। ओके, थैंक यू। आओ, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं अब इनसे दूर ही रहूंगा। तो फ्लटरशाय, तुम चाहती हो फिर से हवा चलाना शुरू करें ताकि ये वापस चले जाए? शायद हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ये बहुत थक गए होंगे। बस मुझे बता देना जब तुम्हें लगे कि ये तैयार है। चुमाली, लगता है तुम्हें कंबल चाहिए। सैमकिन, नो प्रॉब्लम। मलंकी, ओह, क्या तुम्हें और पानी चाहिए? अब हाथों से बुना हुआ स्वेटर किसे चाहिए? क्या हम अंदर आ सकते हैं? ओह बिल्कुल, पर जरा संभल के। उप्स, माफ करना नन्हे दोस्त, ये पूछना था कि क्या तुम्हें लगता है कि ब्रीजीज फिर से उड़ सकती हैं? क्या एक घंटा हो भी गया? माय गुडनेस, जब आप नन्हे जानवरों को दुनिया से बचाने में लगे होते हो तो वक्त का पता ही नहीं चलता। पर वो किसी जालिम दुनिया में नहीं जा रही है ना, वो अपने घर जा रही है। हाँ, सही कहा। बिल्कुल सही कहा, मुझे नहीं लगता कि अभी तैयार है। उसने क्या कहा? मैं नहीं बता सकती। ओके, वेल, यकीनन तुम्हें पता होगा तुम क्या कर रही हो। नायाब जानवरों के बारे में तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू, मैं जल्दी ही तुम्हें बताती हूँ। हमें इसी वक्त निकलना होगा वरना हम घर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अपना जादू एक्टिवेट करने के लिए अगर मुझे उस हवा की जरूरत ना होती तो मैं तुम सबको अभी घर ले जाता। हमें अपने पोलेंस को सुरक्षित रखने की जरूरत ही क्यों है? ओह सी प्लीज, तुम इनकी बातों में क्यों आ रही हो? अगर ये सब लोग इतने डरपोक नहीं होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। वेल, ये सच नहीं है सी ब्रीज, ये एक पत्ते की वजह से हुआ था और तुम ये बात जानते हो। ओह प्लीज, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें जितना वक्त मिले उतना कम है क्योंकि ये लोग किसी काम के नहीं हैं। वेल, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, क्यों है ना? ओह, नाश्ता करके तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मैन फर्जन, हाँ जरूर।
Well, मेरे ब्रीजीज, मेरे ख्याल से अब सब ये बात मान सकते हैं कि जब तुमने खा पी लिया है तो तुम्हारे शरीर में ताकत आ गई है। मुझे तुम्हें यहाँ रखकर बहुत अच्छा लगा और तुम सबको भी यहाँ अच्छा लगा होगा, पर अब तुम्हें जाना है और तुम इस बात को जानते हो। इन लूजर्स में कुछ भी स्पेशल नहीं है, वो एक मामूली हवा के झोंके का सामना तक नहीं कर सकते। अगर वो प्रोग्राम के मुताबिक चले और मेरी बात मानने लगे तो हम सुरक्षित रहेंगे घर पर, घर जहाँ सब लोग जाना चाहते हैं। ओके, वेल, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग भाषण था, पर मैं जानती हूँ कि जल्दी नहीं की तो शायद तुम कभी वापस घर नहीं पहुँच पाओगे। अच्छा, मल्टी मास्क फाना। मल्टी मास्क नंबर टू। मुझे पता नहीं था तुम सबको ठंड लग रही है। क्या सच में तुम सबको लग रही है? ओह डियर, मैं तुम्हें ऐसे बाहर नहीं जाने दे सकती। अगर तुम्हें ऐसे हालत में भेज दिया तो मैं कैसी दोस्त हूँ? हे फ्लटरशाय, बस पूछना चाहती थी कि क्या ब्रीजीज चलने के लिए तैयार है? वक्त निकलता जा रहा है और उनके घर का दरवाजा बंद होने वाला है। ओह हाँ, मतलब एक मिनट रुको, उन्हें थोड़ा और टाइम लगेगा। ठीक है, हम जितना इंतजार करेंगे उतनी तेज हवा चलानी होगी और शायद हम उसे झेल ना पाए। हमें फ्लटरशाय पर भरोसा रखना होगा, उसे जरूर पता होगा वो क्या कर रही है। ब्रीजीज, मुझे भी लगता है सी ब्रीज की बात में दम है। अब वक्त आ गया है कि रेनबो डैश और उसके दोस्तों के साथ वो हवा लाए ताकि तुम घर जा सको। ओह, तुम सब बहुत परेशान हो। ओह, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें अकेला महसूस हो या तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं की। ओह हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। सी ब्रीज, क्या तुम कुछ और घंटे इंतजार कर सकती हो? सी ब्रीज, क्या किसी पोनी ने सी ब्रीज को देखा है? वो कहाँ जा रहा है? वो अकेले अपना ख्याल नहीं रख सकता। माफ करना बीस, क्या तुम इसे अकेला छोड़ सकती हो? इसे नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये एक एक्सीडेंट था। मैं एक बी टाइम डांस पर काम कर रही हूँ और सोच रही थी क्या तुम कर सकते हो। ये सुनकर दिमाग में कुछ आया, शायद एक बी। एक्सक्यूज मी, मैंने तुमसे बहुत प्यार से बात करने की कोशिश की पर शायद बात नहीं बनी। तुम बीस को किसी बेचारे ब्रीजी को परेशान करने का कोई हक नहीं। यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ननकिलन, थैंक यू सो मच मेरे पीछे आने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल, तुम्हें यहाँ अकेले चोट लग सकती थी। पोनीवेल में तुम्हारे लिए बहुत खतरा है, एक अक्रोट भी तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ और इसी वजह से मैं कब से सबको यहाँ से चलने के लिए कह रहा हूँ। Oh my goodness,
मैं तो बस तुम सबकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, पर इसी वजह से शायद मैंने तुम सबको खतरे में डाल दिया। वक्त निकलता जा रहा है और शायद तुम कभी घर न पहुंच पाओ। बिल्कुल यही तो मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो मेरी बात नहीं मान रहे। कोई ब्रीज़ी मेरी बात नहीं सुनता है। सी ब्रीज़, मैं जानती हूँ तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुँची है, पर तुम उन पर चिल्लाओगे और बदतमीजी करोगे तो ये गलत है, तो वो तुम्हारी बात नहीं समझ पाएंगे। पर उन बीज का क्या? तुम्हें भी तो आखिर उन पर चिल्लाना पड़ा था ना, और तभी तो जाकर उन्होंने तुम्हारी बात सुनी। हाँ, पर उनका जाना जरूरी था और वो किसी भी तरह से मेरी बात नहीं मानते। हमें चलना होगा अभी। मेरी प्यारी ब्रीजीज, मुझे सी ब्रीज को एक खतरे से बचाना पड़ा। अब मैं ये जान गई हूँ कि तुम सबको यहाँ से जाना होगा। तुम पोनी विल में सुरक्षित नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती। मेरे भले बनने से तुम्हारी कोई मदद नहीं हो रही थी। अब सच ये है कि मुझे थोड़ी आवाज उठानी होगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा अभी। हवा बहुत तेज है, मैं इसे धीमा नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी नहीं। पीछे हट जाओ, मैं इसे अकेले ही धीरे करने की कोशिश करती हूँ। अब ये बहुत धीमी हो गई, ऐसे वो घर नहीं पहुँच पाएंगे। शायद वो इसीलिए कि ये लोग बहुत कम हैं। जब इन्होंने अपना सफर शुरू किया था तो इनके साथ बहुत सारे ब्रीजीज थे। मैं एक पुरानी जादुई किताब पढ़ रही थी जो मुझे कैसल ऑफ द टू सिस्टर्स में मिली। उसमें एक जादू है जो हमारी मदद कर सकता है। शायद ये शुरू में थोड़ा सा अजीब लगे, पर तुम सबको मुझ पर भरोसा करना होगा। मुझे वो आइडियाज बहुत पसंद है जिनमें शुरू में कुछ अजीब होता है। चाहता हूँ, मुझे तुम्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। मैंने दिल से गुस्सा नहीं किया था, मुझे बस डर था कि हम कभी घर नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए चिल्ला रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पकड़ लो, हम अपने ग्रुप में वापस जाते हैं। हमें जल्दी से चलना चाहिए इससे पहले कि बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाए।
बाय ब्रीजीज, मुझे अब जाना होगा। हमें याद रखना प्लीज। थैंक यू, मैं तुम सबको मिस करूंगी, सबको मिस करूंगी। ब्रीजीज के साथ रहकर मुझे समझ आया कि भलाई के कई चेहरे हो सकते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा भले बनकर आप अपने दोस्तों को वो करने से रोक सकते हो जो उन्हें करना चाहिए। उन्हें खुद से दूर करना शायद बुरा लग सकता है, पर इसमें सबकी भलाई छिपी होती है। वाओ, बाल बाल बचे। हाँ ओके, सब करीब आ जाओ।